ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर भोपाल से है जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी 3C से ग्रसित है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। एमपी में माफियाओं की जड़ें जम चुकी हैं। सरकार में आनंदम विभाग का गठन हुआ था, लेकिन आज प्रदेश में आत्महत्या का रेट बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों से अत्याचार में एमपी नंबर 1 है। मोहन यादव से बार बार आग्रह करने के बाद भी बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर नहीं हुए। जीतू पटवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। एससी एसटी के सभी विधायक भी कमेटी में शामिल होंगे। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर एक व्हाइट पेपर तैयार कर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर सुझाव देंगे। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से सागर घटना में पीड़ितों को 50-50 लाख देने की मांग की है। कई बार हजारों बार मैंने मीडिया के माध्यम से और भाषणों में कहा कि मध्य प्रदेश 3C से ग्रसित है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, 3C का और उनका चोली दामन का साथ है। करीब 9 बार कानून व्यवस्था को लेकर मैंने पर्सनल अलग अलग स्तर पर ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मोहन यादव जी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। मध्य प्रदेश में एक विभाग था हैप्पीनेस, आनंद विभाग। आज छिंदवाड़ा में एक लड़के ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता की हत्या कर दी। एक शिप्रा नदी में एक व्यक्ति कूदकर आज ही जान देने की खबर आई। रोज आत्महत्याओं का ग्राफ सर चढ़ के बोल रहा है। क्या हुआ उस हैप्पीनेस का और आनंद विभाग का, क्या स्थिति कर दी घर घर की सरकार ने, इस व्यवस्था ने, नए भारत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखो कि बार बार आग्रह करने के बाद भी STSC होना एक तरह से अभिशाप हो गया है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा हमारा आदिवासियों का प्रदेश है, सबसे प्रथम अगर प्रदेश पे हक है किसी का तो आदिवासियों का है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में। उनके साथ किस तरह का बर्ताव, बहनों के बलात्कार में हम नंबर 1, आदिवासी बहनों के गायब होने में हम नंबर 1, आदिवासी परिवारजनों का अत्याचार और अनाचार में हम नंबर 1, सरकारी क्राइम, सरकारी अत्याचार भी आदिवासियों पर सबसे ज्यादा यही होता है। और मोहन भैया कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि राजनीति न करें, विपक्ष का क्या धर्म है, मोहन भैया से क्लास ले लें इसके। हम मुख्यमंत्री जी के पास आके ये बता दे कि आप बताओ वो बोले, आप बताओ वो समझे, आप बताओ वो कहें। आदरणीय मोहन यादव जी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेके। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टैग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए, हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीति पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है। और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। इसका जो टैग लगता जा रहा जंगल राज का, कानून व्यवस्था का समाप्त होने का, इससे बचे प्रदेश। इसके लिए हम एक सारी 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक विस्तृत नोट बनाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे और सरकार को, मुख्यमंत्री को, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे सुधारो उसके सजेशन भी देगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि केवल आरोप लगाना और राजनीति के नाम पर रोज आरोप प्रत्यारोप की बात करना। मैंने जब जब भी सीएम से बात की इस संदर्भ में, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो सुझाव के साथ की, कभी नफरत और घृणा और राजनीति का की रोटियां सेकने के नाम पे नहीं की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको।
जो आप उस परिवार से मिलने गए, पर आप जब मिलने गए तो आपने जो एसटीएससी की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की, आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टेक करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे, उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है, 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राई त्राई है बुंदेलखंड के। एसटीएससी के हमारे परिवारजन महंगाई की इस मार की यातनाएं अत्यधिक झेल रहे हैं। तो मैं फिर से मोहन भैया, उनकी मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए, आपको धर्म है, आपका दायित्व है। जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेकर आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। हम नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अभी चर्चा हुई है फ़ोन पे, वो मोहन यादव जी से समय मांगेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनको कानून व्यवस्था कैसे सुधरे इसका सुझाव देंगे। और एसटीएससी के जितने हमारे एमएलए हैं, उस जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं उसमें उसको उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लिस्ट जारी कर देंगे। पर कुल मिला के जैसा मैंने कहा, 3C के मुख्यमंत्री, 3C की सरकार, क्राइम, करप्शन और कर्ज, ये जो मैं बार बार बोल रहा था स्थापित हो चुका है। और जब ये स्थापित हो चुका है तो फिर से मेरा मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे मोहन यादव जी से अनुरोध है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। आप वेंडेटा से, बदले की भावना से कांग्रेस जनों पर कार्रवाई मत करो, उनको परेशान मत करो। जगह जगह आपने भी अभियान चलाया, जैसे वो भी बात समय पे की जाएगी, पर आज मुद्दा क्या है? आज है कि हम कितने बुरे दौर में चल रहे हैं, कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब कोई घटना हो रही होगी क्राइम की। हम 17 बेटियों का बलात्कार होता है रोज मध्य प्रदेश में, NCERB के आंकड़े बताते हैं। मैंने जैसा कहा कि हम नंबर 1 है देश में एसटीएससी पर अत्याचार में। अब भयावह स्थिति क्या है, एक भाई एक बहन को छेड़ा जाता है, भाई ने विरोध किया उसकी हत्या कर दी जाती है, बहन और उसकी माँ और उसके चाचा इस पूरी हत्या के गवाह थे, उसमें से बहन की हत्या कर दी जाती है और चाचा की हत्या कर दी जाती है, माँ ही बची है, पूरा घर तोड़ दिया जाता है। नफरत कितनी कि उसी घर में घोड़ा बंधा था, एक मिट्टू था, उन दोनों की हत्या कर दी जाती है, मतलब पशु पक्षी की भी हत्या कर दी जाती है। इतनी नफरत क्यों है देश में, प्रदेश में? और इस तरह के भयावह स्थिति के बाद भी मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस को ऐसे विषय पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मोहन यादव जी, दायित्व तो आपका था कि आप पहले दिन पहुँचते। मैं एक दिन बाद दाह संस्कार में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए कोई राजनीति की, मैं दूसरे दिन परिवार के साथ गया, उनकी जितनी हमसे बन पड़ी आर्थिक सहायता की उनके दर्द को हमने आत्मसात किया, उसको उसके दर्द में सम्मिलित हुए, ये क्या राजनीति है? अरे राजनीति तो सरकार चलाने के साथ आपको सही करनी चाहिए कि आप कानून व्यवस्था सुधारें। आप ये वेंडेटा के बदले की, नफरत की, घृणा की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसी से तो ये स्थिति बन रही है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आएगी, जैसा वो धार्मिक बातें करते हैं, महाकाल से सबको जोड़ते हैं, जब भी कोई भाषण देंगे भावनात्मक बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, महाकाल की बातें करेंगे, ये अपनी जगह है, वो सम्मान है उनके ज्ञान का, पर उनके कार्य का भी सम्मान हम करना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी सुधारें। अब मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा कि आप 2 पत्नी संभाल सकते हो, एक छोड़ दो, मैंने कह दिया। अब मैंने उससे आगे की लाइन ली है कि हम आपको सजेशन और सुझाव देंगे, कानून व्यवस्था सुधारो। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।